हाय गाइस, कैसे आप लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो यार आ चुके एक और नई कमाल फेस वीडियो के साथ, और आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 0.18.0 के कुछ बहुत ही कमाल के अपडेट्स के बारे में, जो कि फिलहाल ही में अभी पबजी बीटा के अंदर आ चुके हैं, और इनमें आपको कुछ बहुत ही कमाल की चीज़ देखने मिलेगी जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें दो न्यू मैप देखने मिल जाते हैं, जो कि एक होता है हमारा मीरामार का मैप, तो उसमें आपको काफी अच्छी चेंजिंग देखने मिल जाएगी। उसके बाद जो हमारा दूसरा अपडेट आता है वो आता है एक नया प्लेग्राउंड, यानी कि एक प्ले लैब मोड जो आपको मिलती है, वहाँ पर आप आर्केड मोड खेल पाते हैं। वहाँ पर आपको एक नया आर्केड मोड देखने मिलेगा जो कि है सेफ्टी स्क्रैम्बल मोड, तो ये बहुत ही कमाल का मोड होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सचमुच वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो चलिए गाइस फटाफट से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं लीजेंड प्लस। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बेसिक्स के बारे में, यानी कि जो बेसिक सेटिंग्स होती है यहाँ पर आपको कुछ चेंजिंग देखने मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको जो करेंसी है वो एक नई करेंसी ऐड की गई, जो कि है डायमंड करेंसी, आप देख सकते हैं सिल्वर फ्रैगमेंट और बीपी कॉइंस के बगल में आपको दिख जाएगी। उसके बगल में आपको एक पैराशूट का आइकन दिख रहा होगा, तो वहाँ पर आपको मतलब हेल्पलाइन मिल जाएगी, यानी कि जो कस्टमर सपोर्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में जो बेसिक होता है वहाँ पर आपको एक न्यू ऑप्शन देखने मिलेगा, स्लाइड स्कोप बटन, तो इसे आप टेप टू स्विच स्कोप पर रख सकते हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद अगर आप नीचे साइड पे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे जो कि चाइनीज में है, तीन ऑप्शन है बेसिकली, तो वो कुछ समझ नहीं आए क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज में है, तो उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कंट्रोल्स में आते हैं, तो कंट्रोल्स में भी यहाँ पर हमें कुछ चेंजिंग देखने मिलेगी, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ से TPP से FPS स्विच कर पाएंगे, तो ये तो पहले से थी लेकिन यहाँ पर दोबारा से रेड डॉट आया, पता नहीं क्यों। उसके बाद अगर हम सेंसिटिविटी में आते हैं, तो सेंसिटिविटी में आने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे जो कि पुराने वाले हैं। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, तो ये ऑप्शन पता नहीं अपने पबजी मोबाइल में है यहाँ पर नहीं, लेकिन अभी ये यहाँ पर फिलहाल चाइनीज लैंग्वेज में है, तो यहाँ पर आपको और यही सारी चीज़ें देखने मिल जाती हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो चाइनीज लैंग्वेज में है, तो यहाँ पर अभी हम इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये आएगी तब मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि इसका क्या यूज़ है। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे अपने मैप की तरफ। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हमें जो मैप है वो कौन कौन से देखने मिलेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैंने जो अपना क्लासिक मैप है रैंगल का उसको लगा के रखा हुआ है, और अगर आप नीचे साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक मीरामार मैप में थोड़ी सी चेंजिंग देखने मिलेगी, यानी कि वाटर सिटी टाइप का कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया है, मैं इसको डाउनलोड पर लगा देता हूँ, मैं आपको उसको बाद में दिखा दूंगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर जो न्यू मोड आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप नीचे साइड पर देखेंगे आर्केड मोड में, तो आपको यहाँ पर आर्केड में कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि कुछ भी चेंजिंग नहीं की गई है। और यहाँ पर अगर आप अरीना पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, सेम पहले वाले ही ऑप्शन है। और अगर आप यहाँ पर प्ले लैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन मिल जाता है, सेफ्टी स्क्रैम्बल मोड, तो ये मोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और तो गाइस ये जो मोड है सेफ्टी स्क्रैम्बल मोड, तो इसके बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यहाँ पर आपको एक जोन नहीं मिलेगा, जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी आप पबजी मोबाइल गेम खेलते हैं तो वहाँ पर आपको एक तो मिलता है ब्लू जोन और एक मिलता है आपको रेड जोन, जो कि थोड़ी देर के लिए होता है रेड जोन, और यहाँ पर जो ब्लू जोन होता है आपको उससे बच के निकलना पड़ता है, यानी कि आपको सर्कल में आना पड़ता है जहाँ पर आपको वो डैमेज ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर आपको जो ब्लू जोन है वो दो देखने मिलेंगे, जी हाँ गाइस इसमें आपको दो ब्लू जोन देखने मिलेंगे, जैसे कि आप अपना देख सकते हैं, आपको एक लेआउट भी बन के आ जाएगा आपके सामने। तो इन दो रेड जोन से आपको जो ब्लू जोन है उससे आपको कैसे बचना है, तो यहाँ पर आपको दो सर्कल दिख रहे हैं, आपको दोनों सर्कल के बीच में रहना है, आपको एक भी सर्कल क्रॉस नहीं करना है, या फिर जो दूसरा वाला सर्कल है जो कि बीच में आपको मिलता है आपको उस सर्कल के बीच में भी नहीं आना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है आपको उसके अंदर नहीं जाना है, और जो दूसरी लाइन दिख रही है व्हाइट कलर की लाइन, तो उससे भी आपको बाहर नहीं जाना है, आपको इनके बीच में रहना है। अगर आप बीच में रहेंगे तब आप सेफ रह पाएंगे, और अगर आप बाहर जाते हैं, मान लीजिए जो व्हाइट सर्कल है अगर आप उसको क्रॉस करते हैं, तो आपको जो डैमेज पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो बाहर का डैमेज है वो आपको पड़ने लगेगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सा जोन है, यानी कि कौन सा जोन बना है पहला दूसरा तीसरा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डैमेज मिलने वाला है। तो मैंने अपना थोड़ा सा फ़ोन है वो फ्लिप कर दिया था, क्योंकि जो एयरफोन लगी उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो अब मैं मतलब राइट हैंड पे इसको खेल रहा हूँ। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं, और मैं यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिससे कि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो।
तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ब्लू जोन पहले से दिख रहा होगा जो कि हमें नॉर्मल मैच में नहीं दिखता है। तो मैं यहाँ पर इसके जस्ट किनारे पे उतरूंगा और आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर इसके अंदर आपको कितना डैमेज होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा होगा, आप पहुँचते ही मर जाएंगे या फिर मतलब थोड़ी देर तक टिक सकते हैं। तो हम लैंड करेंगे यहाँ पर कंटेनर के पास में, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत लूट भी चाहिए रहेगी, तो इसको लूट लेते हैं। उसके बाद मैं आपको मीरामार मैप भी दिखाने वाला हूँ, वहाँ पर भी आपको कमाल के अपडेट्स देखने मिलेंगे, तो काफ़ी कमाल की चीज़ है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो हम यहाँ पर कंटेनर पे लैंड कर जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा लूट लेते हैं और मैं आपको जोन के अंदर जाके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना डैमेज होगा। तो जैसे आप जोन के अंदर जाएंगे तो आपको जो डैमेज है वो हल्का हल्का होगा, जैसे कि आपका जो पहला जोन आता है उसी के बराबर आपको यहाँ पर डैमेज होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि हमारे पास एक ही फर्स्ट एड है, सॉरी मेड किट मिली थी। तो उसके बाद अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इस साइड पे, और अब मैं आपको दूसरी साइड जाके दिखाऊंगा, यानी कि जो व्हाइट कलर की लाइन है उसके क्रॉस भी आपको जाके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि वहाँ पर आपको कितना डैमेज होने वाला है। तो अपनी जो व्हाइट लाइन है उसको भी क्रॉस कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं अभी इस वाइट सर्कल को क्रॉस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर अभी डैमेज नहीं होगा। जी हाँ गाइस, अभी मुझे डैमेज नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर डैमेज होगा। अब क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका जो ब्लू जोन आता है, तो वो ब्लू जोन अभी नहीं आया क्योंकि अभी पहला सर्कल नहीं बना है, लेकिन जैसे ही पहला सर्कल बनेगा तब आप अगर बाहर होंगे इस वाइट लाइन के, तब आपको डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप अंदर रहेंगे तब आपको डैमेज नहीं होगा। और अगर आप बीच वाले सर्कल में आते हैं, यानी कि आपको जो दूसरा सर्कल पहले से बना हुआ दिख रहा है जो कि आप लैंड करेंगे तभी दिखेगा, तो उस सर्कल में अगर आप अभी जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो अभी आपको डैमेज यहाँ पर होने वाला है। तो आपको इस सर्कल के बीच में रहना है, इससे कि होगा क्या कि जो एनिमी है वो ज़्यादा दूर दूर नहीं रहेंगे। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए बनाया है कि जिससे कि एनिमी ज़्यादा दूर दूर तक ना रहें और बहुत ही जल्दी आप इस मैच को क्लियर कर पाएँ। तो ये था इस अपडेट के बारे में जो कि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है। अब बात कर लेते हैं अपने मीरामार मैप के बारे में। तो मीरामार मैप में यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की लोकेशन आने वाली है जो कि है आपकी वाटर सिटी। जैसे कि आपको वाटर सिटी मिलती है ना रोजॉक के पास में, वही वाटर सिटी मतलब उसी तरीके से आपको यहाँ पर मीरामार मैप में भी देखने मिलेगी। अब सेम वही नहीं, क्योंकि वो अपना एरेंगल मैप है और ये अपना मीरामार मैप है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, इससे कि आप वीडियो जल्दी से कंप्लीट कर पाएँ, यानी कि पूरी वीडियो देख पाएँ बहुत ही जल्दी। तो कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर मीरामार के अंदर वाटर सिटी देखने मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। अब मेरी बात अगर आप माने तो यहाँ पर मैंने जो चाइनीज़ अपडेट में, यानी कि गेम ऑफ पीस है पबजी का चाइनीज़ वर्जन, तो उसमें मैंने वाटर सिटी देखी थी, क्योंकि उसमें ये जो अपडेट है वो बहुत पहले ही आ चुका था। तो वहाँ पर मैंने ये जो अपडेट देखा था तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा, क्योंकि वहाँ पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एरेंगल मैप में, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर हरियाली नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन गेम ऑफ पीस के अंदर, यानी कि पबजी का जो चाइनीज़ वर्जन है, मैंने उसके अंदर ये देखा था, तो मुझे उसके मुकाबले ये थोड़ा सा बेकार लग रहा है, और वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी बड़ी घास देखने मिल जाती है और फूल पत्ती मतलब फुलवादी वगैरह आपको वहाँ पर देखने मिल जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा औसम लगती है। तो उसके मुकाबले ये मुझे थोड़ी सी बेकार लग रही है। तो मैं आपको चाइनीज़ वर्जन वाला भी अपडेट दिखाने वाला हूँ, वाटर सिटी वाला। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ Win94 के बारे में। तो अब आप मीरामार मैप में जो आपको Win94 मिलती है, अगर आप यूज़ करते तो आपको पता ही होगा, तो उसमें आप पहले स्कोप नहीं लगा पाते थे, कोई सा भी स्कोप उसमें नहीं लगता था, तो आप लॉन्ग रेंज की फाइट नहीं ले पाते थे, केवल आप पास में जैसे आप शॉटगन यूज़ करते हैं वैसे ही कर पाते थे, लेकिन अब आप उसमें स्कोप भी लगा पाएंगे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप कोई सा भी स्कोप उसके अंदर लगा लें, नहीं, आपको यहाँ पर इनबिल्ट स्कोप मिलेगा, यानी कि Win94 के अंदर आपको पहले से स्कोप लगा हुआ दिखेगा। तो कुछ इस तरीके का आपको देखने मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ से। तो यहाँ पर बोट आ गया, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे आपको आइडिया भी आ जाएगा कि किस तरीके का आपको एनिमी इसमें दिखाई देगा। तो स्कोप तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, और देखने में ये 8x से बड़ा लग रहा है, यानी कि 15x के बराबर लग रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन ये 8x भी नहीं है, 4x भी नहीं, 3x भी नहीं है, और 2x हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, 2x हो सकता है, क्योंकि मैंने 3x से इसको कंफर्म मतलब कंपेयर किया था, तो ये 3x से छोटा, यानी कि 3x से थोड़ा सा बड़ा दिखता है एनिमी, लेकिन इससे थोड़ा छोटा दिखता है। तो ये 2x के बराबर आप इसको मान सकते हैं, या फिर 2x और 3x के बीच का मान सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको देखने मिलेगा। तो जो लोग Win94 यूज़ करते हैं उनके लिए काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि अब वो स्कोप भी लगा पाएंगे। तो अब मैं आपको जो चाइनीज़ वर्जन है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाला अपडेट पहले से ही आ चुका था, लेकिन उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने मिली, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ फटाफट से। तो चलिए चाइनीज़ वर्जन की तरफ चलते हैं। तो यार देखिए, ये है हमारा पबजी मोबाइल चाइनीज़ वर्जन, यानी कि ये जो अपडेट है पबजी मोबाइल चाइनीज़ वर्जन में बहुत पहले आ चुका था वाटर सिटी का, और अभी फ़िलहाल ही में आया है हमारे पबजी मोबाइल बीटा वर्जन में।
तो अगर आप कंपेयर करेंगे पबजी मोबाइल बीटा वर्जन से पबजी मोबाइल चाइनीज़ वर्जन को, जिसको हम जानते हैं गेम ऑफ पीस के नाम से, तो उसमें जो वाटर सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी घास दिख रही है और आपको इसमें फूल भी दिख रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपको ये वाला वर्जन काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगेगा, और अगर यही हमारे मीरामार मैप में आता तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो लोग इरेंगल मैप खेलते हैं तो उनको ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगता है, और जो लोग मीरामार खेलते हैं उनको तो ये अच्छा लगता ही है। तो कैसा होता अगर गेम ऑफ पीस की तरह हमारे पबजी मोबाइल में भी ये जो अपडेट है वो आता, मतलब फूल वगैरह दिखाई देते उसमें, तो काफ़ी ज़्यादा कमाल लगता। और आप मुझे नीचे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको जो पबजी मोबाइल बीटा वर्जन में जो अपडेट आया वाटर सिटी का वो ज़्यादा बेस्ट लगा, या फिर ये जो गेम ऑफ पीस में दिया गया है वाटर सिटी के अंदर तो ये ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मुझे पता तो चले कि मतलब मुझे ही बेकार लग रहा है या फिर सभी को बेकार लग रहा है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये हमारी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और निकमाल फिर इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।